हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप ही की कमेंट से एक ऐसा आपके साथ जो है क्रीम, नाइट क्रीम शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्किन को ग्लोइंग तो बनाएगी, साथ ही आपके जो दाग धब्बे होंगे, आपके चेहरे पर चिपचिपा सापन रहता है उसको भी रिमूव आउट कर देगी। स्किन फेयर की जो है, सभी लोग चाहते कि हमारी स्किन फेयर रहे, दाग धब्बे रहित रहे, ओपन पोर्स भी हमारे फेस में ना हो, हमारी स्किन ब्राइटर एंड ब्राइटर हो जाए। तो देखिएगा, रात के टाइम जब भी हम अपने फेस में क्रीम अप्लाई करते हैं तो वो रिपेयर करती है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाने का काम करती है। तो ज्यादातर जो हमारा नाइट का टाइम होता है उस समय हमारी स्किन पर हम जो भी चीज अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को वो चीज रिपेयर करती है, यानी कि वर्कफुल होता है। जो भी चीज हम जो है रात के समय अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, बहुत ज्यादा यूथफुल हमारी स्किन को बना देता है। तो इसी तरह से आज जो है मैं आपसे एक ऐसा नाइट क्रीम आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आप डेली में लगाएंगे, फिर आप उसका जादू देखेंगे। जब सुबह उठते हैं आपकी स्किन एकदम से ब्राइट अप हो जाएगी, फ्रेश अप हो जाएगी और स्किन यूथफुल हो जाएगी। जैसे कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे क्यों ना होंगे, वो भी आपके जो है धीरे धीरे रिमूव आउट हो जाएंगे। तो चलेगा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो देखिएगा, ये है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध मैंने यहाँ पे लिया है, और ये इसमें बहुत ज्यादा जो है लैक्टिक एसिड होता है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाने का काम करता है, हमारे जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको लाइट करने का काम करता है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है, मॉइस्चराइज का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा 1.5 चम्मच के करीब जो है कच्चा दूध ले लिया है, रॉ मिल्क ले लिया है। आपको थोड़ी देर फ्रीज में रख देना है कच्चे दूध को, और नाइट टाइम में आप अपना ले लीजिए, और मलाई जो आए उसको रिमूव आउट आपको कर देनी। जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें डालना होगा वो है फ्रेश एलोवेरा जेल का। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो मार्केट वाला ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगी कि अगर आप फ्रेश वाला लेते हैं आपकी स्किन एकदम से आप देखेंगे बहुत ज्यादा ब्राइट अप हो जाएगी, दाग धब्बे बहुत जल्द से जल्द रिमूव आउट आपके हो जाएंगे। तो मैं तो यहाँ पे जो है इसमें फ्रेश वाला ही डालने वाली हूँ। तो चलेगा मैं 1 चम्मच फ्रेश वाला एलोवेरा जेल डाल देती हूँ। देखेगा ये जो है ये फ्रेश वाला एलोवेरा जेल है, इसे मैंने मिक्सी में डालकर जो है मिक्सर में डालकर पीस लिया इस तरीके से। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे इसे ऐड करूंगी, ये देखेगा इस तरीके से इसमें ऐड कर दे रही हूँ इस तरीके से। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालना होगा वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। पे जो ले रही हूँ पैराशूट का नारियल का तेल ले रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून से भी कम मैं ये लूंगी, क्योंकि जैसे कि अब समर्स है, समर्स में काफी सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून से भी कम लूंगी। ये देखिएगा मैं इसी से ही मैनेजमेंट कर रही हूँ इसका, आप देख लीजिए इस तरीके से आपको डाल लेना है। 1/2 टेबल स्पून से कम मैंने यहाँ पे लिया है, और इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है। ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तो एक अच्छी सी नाइट क्रीम, हमारी रिपेयर क्रीम जिसे बोलते हैं, स्किन को ब्राइटर क्रीम जो है बनकर रेडी हो जाती है इस तरीके से। ये देखिएगा इस तरीके से, ये अगर आप मार्केट वाला इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे तो ये थिक हो जाएगी, और अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये इस तरीके की लिक्विडी हो जाएगी। तो आप इसे कॉटन से भी अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलेगा मैं अपने क्लीन फेस पे इसे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और अंडर आई एरिया में भी आप इसे अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आपको पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेना, आप देखेंगे आपके जो दाग धब्बे हैं, आपके फेस में जो फेयरनेस होती है, एकदम इंस्टेंट फेयरनेस आपके स्किन में आ जाएगी इस तरीके से। और जितने भी पुराने से पुरानी आपकी झाइयां हो, धब्बे हो, निशान हो, वो भी आपके इससे रिमूव आउट हो जाएंगे बहुत अच्छे से। हमारी जो स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करती है ये। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है पूरे फेस में इस तरीके से, और फिर उसके बाद में आपको जो है फेस वॉश बिल्कुल नहीं करना है, और आपको सो जाना है सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट रात में ही आपको पहले मसाज कर लेनी है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए, इस तरीके से आपको एब्जॉर्ब कर लेनी है, और फिर आपको जो है सो जाना है। और सुबह मॉर्निंग में आप जो है सिंपल वाटर से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, या फेस वॉश भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आप देखेंगे चेहरे पर इतना ज़्यादा आपकी चमक आ जाएगी, बहुत अच्छा ग्लो और शाइन आपकी स्किन में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा हर एक की चाहत होती है कि उसको फेयरनेस स्किन मिले, फेयरनेस ग्लोइंग स्किन हो उसकी। तो इस तरीके से अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा यूथफुल हो जाएगी। इस तरीके से आपको छोड़ देना है पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद,
और फिर जो है सुबह मॉर्निंग में वॉश कर लेना है। आप देखिएगा गाइज, आपको इसे स्टोर करके बिल्कुल नहीं रखना है, आप सिर्फ 2 दिन तक इसका जो है स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, आप अगर फ्रेश की फ्रेश बनाते हैं तो बहुत अच्छा वर्क आपके स्किन में करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट पूछ सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।